की तलाश में जहाँ पर वो पाउडर मिलता है जो सुहासनी आंटी के पार्लर में यूज होता है, जो मुझे चाहिए इसलिए आपको मैं लेकर आई थी, लेकिन आपको तो वो दुकान मिलती नहीं है। अरे मैडम, अब मैं क्या करूँ, मैं 3 दिन से तो उधर जा रहा हूँ, अब वहाँ पे वो दुकान ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लगता है आप सुहासनी आंटी के जासूस हैं। आप मुझे इस तरह का आदमी समझती हैं? बिल्कुल है? मैं वैसा दिखता हूँ? हूँ नहीं मैडम। एक्सक्यूज मी संपत जी, आप जैसे दिखते हैं वैसे हूँ है। नहीं नहीं, अच्छा एक बात बता दूँ आपको, कल हम फिर जाएंगे उस दुकान को ढूंढने, अगर कल वो दुकान नहीं मिली और आप नहीं बता सके कि वो पाउडर कहाँ मिलता है मुझे, तो आप जाने आपका काम। बाबा, आप जाने आपका काम, जैसे मैं हूँ तुम्हारे बाप का गुलाम। मैडम, आप क्यों इतना बिगड़ रही हैं? आप देख रही ना मैं कितनी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। आपको तो ईमानदारी किसी तरफ से छू कर नहीं गई संपत जी। मैडम ऐसी बात मत कीजिए, आई एम ऑनेस्ट बिजनेसमैन। यू आर नॉट एनी काइंड ऑफ बिजनेसमैन। आपको लंदन लाना बिल्कुल बेकार हुआ मेरे लिए, बिल्कुल, इतने सारे पैसे जाए हो गए मेरे। नहीं नहीं मैडम, आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ और दुकान मिल के रहेगी मैडम। मुझे मालूम है आप सुहासनी आंटी से मिले हुए हैं, उन्होंने आपको कहा है कि मुझे मटेरियल्स ना दिलवाएं। नहीं नहीं सुहासनी आंटी, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा मुझे। आप भी एक बात याद रखिए संपत जी, मेरे साथ जो डबल क्रॉस करता है ना, मैं उसको नहीं छोड़ती। चलिए संपत जी, जल्दी जल्दी, देर हो रही है, लेट्स गो। क्या वो अपने ही चल रहे क्या? नहीं नहीं मैडम, आप जो कहेंगी मैं करूंगा मैडम। संपत जी, जिस काम के लिए मैं आपको लंदन लेके आई हूँ आप वही कर दें, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ओके, क्या हुआ फिर, कुछ तोड़ा फोड़ा आपने इस घर में? नहीं नहीं मैडम। तो फिर ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? मुझे आपसे कुछ कहना है मैडम। एक पाउंड नहीं दूंगी, एक पाउंड का एक पेनी नहीं दूंगी जब तक आप मुझे वो दुकान नहीं दिखाएंगे। मिल जाएगी दुकान मैडम, बस कोशिश करते रहना पड़ेगा। रोज कोशिश कर रहे हैं आप, जिस दुकान में कहते हैं मैं अंदर चली जाती हूँ, वहाँ जाके पता चलता है मटेरियल तो क्या, यहाँ मेकअप ही नहीं मिलता। कभी गार्मेंट की दुकान में भेज देते हैं, कभी क्रॉकरी की दुकान में भेज देते हैं, कभी जूतों की दुकान में भी। ये सब ना मैडम, अंग्रेजी में जो हार्ट टाइट है ना मेरा मैडम, बस इसी। आपका हार्ट टाइट है, मेरा तो स्ट्रांग है। साफ साफ क्यों नहीं बोलते आप मुझे वो दुकान दिखाना ही नहीं चाहते? सुहासनी आंटी ने मना किया आपको, आई नो दैट, आई नो इट। एक बात याद रखिए, आपको लंदन लेकर मैं आई हूँ, जाहिर है वापस भी मुझे ले जाना चाहिए, है ना? ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ छोड़कर चली जाऊँ। नहीं मैडम। और एक और बात बता दूँ आपको, यहाँ का कानून और यहाँ की पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होती है, अगर मैंने आपको फ्रॉड के केस में अंदर करवा दिया, ये जो बची कुची उम्र है ना। नहीं मैडम, भगवान साक्षी है, भगवान साक्षी है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया मैडम। अरे बाबा, ऐसा क्या कर दिया आपने? पहले आप वचन दीजिए, पहले आप वचन दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। बिल्कुल नहीं, पहले आप मुझे बताइए आपने क्या किया है, फिर मैं डिसाइड करूंगी आप माफी के काबिल हैं या नहीं। नहीं हूँ, मैं खुद कहता हूँ नहीं हूँ, लेकिन आप माफ कर देंगी मैडम तो मेरे बाल बच्चों पे आपकी दया हो जाएगी। संपत जी, आप वो एड्रेस तो नहीं भूल के आए? पता नहीं कैसे। I don't believe this. मैडम शट अप, मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा मैडम। गो टू हेल। यकीन कीजिए, सुनिए मैडम मेरी बात तो सुनिए। आप एड्रेस इंडिया भूल के आए हैं? आई डोंट बिलीव दिस। अब आपको मैं यहाँ भूल के वापस चली जाऊँ आपको कैसा लगेगा? आप मुझे भूल कर जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा मैडम, कहाँ मारा मारा फिरूंगा, जान दे दूंगा। नाटक मत कीजिए, आप जैसा आदमी जान नहीं देता। दे दूंगा मैं जान, ऐसी बात नहीं है। जान दीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो ठीक है, देखिए चढ़ रहा हूँ मैं, देखिए जान दे दूंगा मैं। अच्छा, कूद जाऊंगा मैं इसमें, ऐसा मत समझिए। शौक से कूदिए, कूदिए कूदिए। देखिए सुनिए मैडम, मैं बहुत हट हूँ, कूद भी सकता हूँ मैं। डोंट थ्रेटन मी, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझको। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? इतने दुकानें तो देखा, अब नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? जरा मुड़िए। थैंक यू। क्या ले लिया? ये रहा आपका पासपोर्ट और ये टिकट रहेगा मेरे पास। क्यों? आप यहाँ मेरा काम करने आए थे, जब आपका मन करे काम शुरू करने के लिए और सुहासनी आंटी की जासूसी नहीं तो आ जाइएगा मेरे पास, तब तक ये मेरे पास रहेगा। आप सड़कों पे भीख मांगते फिरिए, ओके, गुड बाय। भीख क्यों मांगूंगा मैं, आई एम ए टैलेंटेड मैन। अरे जा, कुछ नहीं बिगड़ सकता मेरा, बहुत देखे तेरे जैसे यहाँ। अरे समझ क्या रही है अपने आप को, आई एम ए शट अप यू इडियट। नहीं, अरे संपत, ये क्या कर दिया तूने, अब कहाँ जाएगा तू।
भाई। कसम से भाभी आपने मेरे मुंह की बात छीली है। गेम भी कोई गेम है खमक, पहले उल्टे सीधे तेरे पत्ते बांटो, फिर को उसे सीक्वेंस में लगाओ, ट्रेन में लगाओ। अरे इससे अच्छा आइडिया तो मेरे दिमाग में। फ्लश खेलते हैं 5 pound का बोर्ड। 5 pound? डेजी मौसी 5 pound नहीं, 5 pound क्यों नहीं? अरे डेजी मौसी खेली ना, बिगिनर्स लग भी चलता है इसमें, पता है अगले महीने का राशन का पैसा निकला। सच कह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं? मुझे पता है डेजी मौसी नहीं खेलेंगी। वो जरूर खेलेंगी। अरे खेलेंगी, खेलेंगी, बिल्कुल नहीं खेलेंगी। मैं इस बात पर 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। अरे वो खेले ना खेले, हम उनके मां बाप कहते हैं। ये संपत जैसा आदमी कौन है? अरे क्या हुआ, इतने रो रहे हैं? मैडम अब ये संपत अपने भारत का फेस कभी नहीं देख पाएगा। अरे क्यों? पहले आप लोग बैठिए। संपत जी चुप हो जाइए, आपको चुप देखने के लिए हमारी आंखें कब से तरस रही हैं? अब तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं लगता है। ये भाई कोई भाई वाई नहीं। सोमू तुम बड़े वो हो। वो तो मैं हूँ। संपत जी चलिए आप कुछ खा लीजिए। मेरी तो भूखी मर गई है मैडम। नहीं नहीं आप कुछ खा लीजिए ना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ। अरे सुहासनी जब वो नहीं खाना चाहता तो जबरदस्ती कर दी। नहीं नहीं मैडम कह रही है इसलिए मैं जरूर खाऊंगा, मैं मैडम की बात नहीं टाल सकता। संपत जी आप आराम से खाना खाइए, मैंने प्रिया को बुला लिया है, वो आ रही होगी। हाँ। ना दीदी प्रिया नहीं आएगी। क्यों? मैं उससे बड़ी हूँ, मेरी बात जरूर मानेगी और वो आएगी जरूर। प्रिया नहीं आएगी इस बात पर मैं 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। पता है सुनो, आज सवेरे से तुम्हारे अंदर क्या कोई वकील का पूत घुस गया है? सोमो हाय सी थिंक ऑफ द एंड द वेरी फनी। मुझे पता था आप यही मिलेंगे। शरीफ आदमी शरीफों के पास नहीं जाएगा मदद मांगने, तो और कहाँ जाएगा? इतने शरीफ नहीं है जितने आप लोगों को दिखते हैं। नहीं नहीं संपत भाई शरीफ है, इस बात पर मैं 1 घंटा बहस कर सकती हूँ। वैसे प्रिया इनका पासपोर्ट छीनकर तुमने अच्छा नहीं किया। ओह रियली? तो उनका शुक्रिया अदा करूं कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मगर इन्होंने जानबूझ के तो आपको धोखा नहीं दिया ना। मगर धोखा देने के वक्त इनको ये थोड़ी मालूम था कि आपको धोखा दे रहे। सोनू इस पर तुम 1 घंटा बहस कर सकती हो। अच्छा सुनो प्रिया, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुमको मेरी बात मान लेनी चाहिए। सीधी तरह इनका पासपोर्ट वापस कर दो। प्लीज सुहासनी आंटी, दिस इज अ पर्सनल मैटर। अरे वाह, किसी को सड़क पर छोड़कर उसका पासपोर्ट छीन लेना पर्सनल मैटर नहीं होता। रियली? ओके बाय। वेरी फनी, यू कांट ट्राई दिस ऑन मी अगेन। ओके प्रिया, इनका पासपोर्ट दिए बगैर तुम इस घर से नहीं जा सकती। नहीं जा सकती? नहीं जा सकती।